मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, अगर ट्वेल्थ वाले होंगे या फिर टेंथ में तो नहीं होगा, ट्वेल्थ वाले जो होंगे पढ़े होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है और किसी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है और फोर्स वगैरह पे क्या ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन हिंदी में घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या? जब एक बॉडी या एक सब्सटेंस दूसरे पे स्लाइड करेगा, ठीक है, एक बॉडी जब दूसरे पे स्लाइड करेगा तो उसका सरफेस दोनों का टच करेगा, तो वो सरफेस जो टच करता है तो वो स्लाइड होने का अपोज करता है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। जब एक बॉडी, सपोज ये कोई बॉडी ए है और ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे अगर कोई हम फोर्स लगाते हैं तो स्लाइड करेगा या मूव करने का कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा। तो इस मूवमेंट को जो अपोज करेगा, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है सर बॉडी ए सरफेस बी पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं तो इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, दोनों का जो एरिया टच कर रहा है, ए का और बी का टच कर रहा है, तो ये जो फ्लो, ये फोर्स के कारण जो मोशन क्रिएट होगा उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, तो उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म में एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रखा हुआ है, टच कर रहा है, तो उसके सरफेस के बीच में जो मोशन का जो अपोज क्रिएट होगा वो हम लोग फ्रिक्शन उसका नाम देते हैं, उसी टर्म को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, मगर सपोज दैट बॉडी का कुछ वेट है, डब्ल्यू है वेट, ठीक है, वेट किस ओर एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो वेट है इसका कोई अगर हम फोर्स लगा रहे और मूव नहीं कर रहा तो क्या इसमें फ्रिक्शन होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर इसका वजन है उसके अनुसार ये फोर्स अगर कम लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है इसको मूव करने ही नहीं देगा, ठीक है, क्यों मूव नहीं करने देगा? क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, किसके कारण? वही फ्रिक्शन, क्या कर रहा था? मोशन का अपोज कर रहा था फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? दो सरफेस, जो दो सरफेस, तो कौन सा दो सरफेस? जो आपस में टच में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जब मोशन का कोई अपोज होता है, ठीक है, उस सरफेस के कारण, याद रखिएगा, किसी और चीज के कारण नहीं, दूसरा फोर्स के कारण नहीं, सरफेस के कारण, तो उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और वही फ्रिक्शन क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है, तो सपोज दैट इधर का कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज करेगा, ठीक है। अगर इस फोर्स को पी नाम देते हैं, और अच्छा समझने के लिए पी नाम देते हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन रहेगा उसको एफ से डिनोट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एफ, फ्रिक्शन एफ, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एफ हम बोलेंगे इसको। क्लियर है यहां तक? आप क्या दूसरे टॉपिक में आए थे? दूसरा इसमें क्या हो रहा था कि जब फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो अगर बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा है अगर यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो उस केस में उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन।
क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उससे यहाँ पे जो फ्रिक्शन क्या होता है ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स इसको बॉडी को मूव होने नहीं दे रहा है, ठीक है। उस केस में हम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, अलग से नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर मूव करने लगा, ठीक है, अगर मूव करा, मान लिया यहाँ पे इसका वेट है, वेट है 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा, और ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मूव कर जाएगा। मगर अगर यहाँ पे वेट इसका 10 किलोमीटर है, 10 न्यूटन है, और इस 10 न्यूटन के कारण यहाँ पे 5 न्यूटन का, ध्यान रखिएगा वेट नहीं, इस 10 न्यूटन के वेट के कारण फ्रिक्शन फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है? 5 न्यूटन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, तो ये बॉडी ऑब्वियसली मूव करेगा, क्योंकि देखिए अगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में क्या पढ़े थे, अगर समेशन एफ एच लेते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा? इधर वाला को पॉजिटिव लेंगे, इधर वाला को नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? 45 न्यूटन आएगा, तो जिस ओर फोर्स लग रहा है उधर टेंड्स टू मूव करेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा इसमें वैरियर नहीं रहेगा तो उधर मूव कर जाएगा, यहाँ पे अगर इसका कोई रोक नहीं रहेगा तो इधर बॉडी मूव कर जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के सही। मगर अगर यहाँ पे फोर्स हम यहाँ पे लगाए 4 न्यूटन का, ध्यान दिए जो फोर्स लगा रहे हैं क्या 4 न्यूटन का, 50 न्यूटन का नहीं, तो क्या होगा? तो बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा जी, समेशन इफेक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 न्यूटन आएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, -1 न्यूटन आएगा, क्योंकि ये -5 + 4 -1 न्यूटन मूव करेगा, नहीं करेगा मूव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है 5 न्यूटन का, तो ये बॉडी इस ओर मूव नहीं करेगा और ये बॉडी स्थिर रहेगा, ठीक है ना। तो जब तक बॉडी स्थिर रहेगा तब तक हम बोलेंगे फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया? पहले तो समझना है फ्रिक्शन क्या है। दो बॉडी के बीच में जब कोई स्लाइडिंग मोशन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं तो उसका सरफेस क्या है? उस स्लाइडिंग मोशन को अपोज करता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब तक ये मूव नहीं करेगा उस स्थिति तक जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? जब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगा, अगर बॉडी स्टेबल है, फोर्स लगा रहे हैं मगर बॉडी रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, उस केस में इसी फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर गया, फोर्स ज्यादा हुआ, मूव कर गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि मास टक मार रहा है, इसलिए डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है? अब या तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या डायनेमिक फ्रिक्शन, दोनों एक ही चीज होता है, नाम खाली अलग अलग है, काइनेटिक या डायनेमिक, दोनों सेम चीज, ठीक है। नाम दो क्यों पड़ा? एक तो मूवमेंट के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी क्या होता है, बॉडी हवा का तो बना हुआ नहीं होता है, किसी न किसी मास का होता है, ठीक है। अब वेट आ रहा है तो मास टर्माएगा, आएगा नहीं, वेट आ रहा है तो मास टर्माएगा, तो डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो फ्रिक्शन कितने प्रकार का हो गया है आपका? फ्रिक्शन हो गया दो प्रकार का, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। डिनोट किससे करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन को FS, S से शुरू हुआ स्टैटिक, तो FS, क्लियर है, और डायनेमिक या काइनेटिक वाला को FK से, डी से भी कर सकते हैं मगर FK ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है, तो FK से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन दो प्रकार का, याद रखिएगा, काइनेटिक और डायनेमिक। क्लियर है?
ठीक है। आप देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना पे लगा, फ्रिक्शन समझ गया है, फ्रिक्शन का दो टाइप समझ गया है, अकॉर्डिंग टू कौन सा, इसका बॉडी के मूवमेंट के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी मूवमेंट के अनुसार, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, कोई एक सरफेस लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सरफेस ही हो, ठीक है, आसानी के लिए समझने में आसानी के लिए आपको सरफेस ले रहे हैं, मगर ये सरफेस के जगह पर कोई दो बॉडी भी हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है, कोई पार्ट्स हो सकता है मशीन का, ठीक है, कोई पार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सरफेस इस पार्ट का कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा, उसी तरह से यहाँ सरफेस है, एक सरफेस दो सरफेस, दो सरफेस होना जरूरी है, ठीक है, ये नहीं कि कोई स्टेबल सरफेस ही हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है फ्रिक्शन में, दो पार्ट्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, तो आपको समझने में आसानी के लिए ले रहे हैं, कोई एक सरफेस अज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है, इस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, सपोज दैट इसका मास m है, ठीक है, मास m है, अब इस मास के कारण इसका वेट कितना होगा, एम जी होगा, या कैपिटल एम से लिए हैं तो कैपिटल एम इंटू जी, जहां की एम इक्वल टू मास और जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कोई फोर्स अज्यूम नहीं कर रहा है कि कोई इस पे फोर्स लग रहा, सिंपल कोई बॉडी है, अब इस पे कोई मास है, मास के कारण इस पे एम जी वेट लग रहा, वेट जी एक तरह से क्या हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गया कोई पी, क्लियर है, तो पी इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं या डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। वेट ज्यादा यूज करते हैं पी, क्योंकि पी हम लोग कभी कभी फोर्स के लिए और यूज करते हैं, इसलिए डब्ल्यू ही ज्यादातर यहाँ पे वेट के लिए डब्ल्यू ही लेते हैं, पी लेने से क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर पी से तो फोर्स होता है, आप वेट कह ले रहे हैं, ये भी एक तरह का फोर्स ही है ना, ठीक है, तो P फोर्स या W वेट इस पे लग रहा है, क्लियर है, अब वेट लग रहा है तो न्यूटन का तीसरा नियम आ गया, किसी और फोर्स लग रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा रिएक्शन, ठीक है, अब ये रिएक्शन फोर्स R हो जाएगा, कितना लगेगा, कितना लगेगा रिएक्शन, जितना वेट है, जितना फोर्स लग रहा है नॉर्मल उसी के अनुसार लगेगा ना, ठीक है, तो इस मास के कारण, इस बॉडी के मास के कारण कोई वेट हुआ और उस वेट के कारण इस सरफेस पे रिएक्शन फोर्स आ लगा, कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, mg होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट, जितना फोर्स लगता है उससे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है रिएक्शन के केस में, बिल्कुल mg आ गया आपका, क्लियर है, क्लियर है, रिएक्शन फोर्स समझ गए। अब देखिए इस सरफेस को तो है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है ये सरफेस, ठीक है, तो ये फोर्स क्या है, परफेक्टली नॉर्मल रहेगा इसका, तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, रिएक्शन भी नॉर्मल होगा ना, सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो वेट क्या है, सीधे नीचे की ओर लगता है, तो रिएक्शन फोर्स भी सीधे इसके ऊपर की ओर लगेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल को क्या होता है, नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन के केस में टर्म आता है नॉर्मल रिएक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल जो रिएक्शन है वही नॉर्मल रिएक्शन है, मगर जब नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जब अगर 90 डिग्री जो भी आपका रिएक्शन फोर्स है 90 डिग्री के एंगल से एक्ट करेगा किसी सरफेस पे, तो उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन टर्म एक नया नाम देते हैं, केवल रिएक्शन नहीं बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, तो फोर्स जो वेट था, वेट के कारण नॉर्मल रिएक्शन आपका एंगल आया, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना आया, बॉडी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस केस में आपको
स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है आपका ये जो सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एन, एन क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है। कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सॉरी डायरेक्शन है इसमें कुछ नहीं है, कोई फोर्स लग रहा है जी इधर था नहीं, तो अभी डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, नहीं कर सकते हैं। जब कोई अगर फोर्स इधर एक्ट करेंगे तब ये फ्रिक्शन किधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, समझ गए। तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या हो गया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है। स्टैटिक फ्रिक्शन को F इक्वल टू म्यू एल, समझ गए इतना तक, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं कि जब फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, या अगर कोई फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, क्लियर है। देखते हैं आगे क्या होता है, देखिए लगाइए तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाइएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो जहां मन करेगा वहां लगा देंगे, ठीक है, जहां मन करेगा वहां लगा देंगे, ठीक है। आप देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं आप, कौन सा डायरेक्शन है, आर इज प्लस टू, कोई फोर्स पी लग रहा है, क्लियर है, कोई फोर्स पी लगा, ठीक है। तो कितना फ्रिक्शन देखे थे, कोई फोर्स पी लगा है, तो इस पी फोर्स के कारण फ्रिक्शन क्या है, कोई एफ क्रिएट हो रहा है। स्टैटिक है डायनेमिक है हमको पता नहीं है, अगर क्या था ये बॉडी स्टेबल केस था ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या देखे थे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसके वेट के कारण केवल फ्रिक्शन था, तो इसके वेट के कारण फ्रिक्शन था और बॉडी मूव नहीं कर रहा था तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन देखे थे, एफ ना एस नाम दिए थे म्यू इनटू एन ये था, मगर हम अब क्या है इसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और फोर्स लगाएंगे तो सरफेस कॉन्टैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मान लिया कि वो फोर्स लगा आपका एफ, ठीक है, वेट तो इसका होगा ही जैसे था, वेट के कारण क्या नॉर्मल रिएक्शन आपका mg वही आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब फ्रिक्शन अब इसका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एफ होगा, ठीक है। अब फोर्स आप देखे थे कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई रिजल्टेंट आएगा इसका, आएगा रिजल्टेंट, कोई बिल्कुल आएगा रिजल्टेंट, कोई इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, कितना होगा रिजल्टेंट, आर इक्वल टू दो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अगर ये आर दिया हुआ है तो एफ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्लियर है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कुछ नहीं दिया हुआ है तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप देखिए एक टर्म और आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ जो फोर्स लगा उसके कारण फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, एक रिजल्टेंट आया, तो ये रिजल्टेंट जो एंगल क्रिएट करेगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा या फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, फाई से डिनोट करते हैं, समझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है तो वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जिस एंगल पे एक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
निकालते कैसे थे? सिंपल, अगर इस केस होगा तो tan phi इक्वल टू f y n, क्लियर है? f y n ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दो चीज सीखे आप, क्या सीखे आज ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? बॉडी के मूवमेंट के अनुसार फ्रिक्शन कितना प्रकार का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है, बॉडी अगर स्टैटिक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और वो फ्रिक्शन क्या होगा, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू n होगा। क्लियर है? इतना तक सीखे। और क्या सीखे? एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और फिर फ्रिक्शन फोर्स उसमें उत्पन्न होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये पूछता है बार बार आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दो नंबर के लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग एक करवाया क्या, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, म्यू क्या होता है, कैसे कैसे एक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू।